देश की युवा क्रांतिकारियों में एक त्रिपुर कुमारन स्वामी मुदलियार का जन्म 4 अक्टूबर 1904 को तमिलनाडु के चेन्नामलाई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका पारिवारिक व्यवसाय हथकरघा बुनियादी था। आर्थिक कठिनाइयों के कारण और परिवार की आय को बढ़ाने और व्यापार सीखने के लिए उन्हें कक्षा 5 में स्कूल का परित्याग करना पड़ा। केवल 19 वर्ष की आयु में परिवार की इच्छा के अनुसार उनका विवाह हुआ। तब वे कताई मिल में सहायक के रूप में काम करते थे। तब देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से गति पकड़ रहा था। युवा कुमारन देश की इन गतिविधियों से अछूते नहीं रहे। गांधी जी के मूल्यों और उद्देश्यों से प्रेरित होकर उन्होंने प्रदर्शनों और गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम गतिविधियों में उनकी बढ़ती रुचि को देखकर उनका परिवार चिंतित रहता था। वे उनसे कई बार मिलने आते और उन्हें आंदोलन से दूर रहने की चेतावनी देते, क्योंकि उन्हें लगता कि वह उनके परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। उनके व्यवसाय के स्थान पर भी जाते और उसके सहकर्मियों से कहते थे कि वे ऐसे ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोके। स्वतंत्रता के जुनून में कुमारन ने सभी सलाहों को नजरअंदाज करते स्वतंत्रता आंदोलन में अपने को पूर्णतः समर्पित कर दिया। जल्द ही देशबंधु यूथ एसोसिएशन की स्थापना की। इस समूह के सदस्य मुख्य रूप से तमिलनाडु और आसपास के अन्य क्षेत्रों के युवा थे, जो भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए उत्सुक थे। साथ में उन्होंने पूरे तमिलनाडु में कई ब्रिटिश विरोधी विरोध मार्च आयोजित किए। कुमारन अपने साथियों के बीच त्रिपुर कुमारन के उपनाम से लोकप्रिय थे, क्योंकि वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने वाले युवाओं के प्रेरक थे। 1932 में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने बम्बई में एक प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को कैद कर लिया, तो पूरे देश में दंगे और विरोध शुरू हो गए। उसी वर्ष 11 जनवरी को ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति अपनी अवज्ञा दिखाने के लिए त्यागी पीएस सुंदरम के नेतृत्व में एक देशभक्ति मार्च आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को ले लिया, भले ही उस समय ऐसा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। त्रिपुर कुमारन झंडा थामे प्रदर्शनकारियों में से एक थे। ब्रिटिश सेना ने प्रदर्शनकारियों पर पहले तो लाठी चार्ज करना आरंभ किया। उत्साही कुमारन ने परिसर छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद हुई तबाही में वह फंस गए और बाद में राष्ट्रीय ध्वज पकड़े सड़क पर मृत पाए गए। मात्र 27 वर्ष की छोटी उम्र में कुमारन का बलिदान हमेशा स्वतंत्रता संग्राम के अभिलेखों का अभिन्न अंग बना रहेगा।